पैसा दो नौकरी लो, ये साफ तौर पर हमारे पीछे जो ये विद्यार्थी यहाँ पर खड़े हैं जो कि जम्मू कश्मीर का युवा है, जो कि 6000 युवा है जो आज जम्मू पहुंचा है, 6000 में से कुछ ना कुछ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये फायर एंड एमरजेंसी रिक्रूटमेंट हुई थी 2014 में, तीन बारी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, 2014 में, 2016 में, 2020 में। और 2014 में जब रिक्रूटमेंट हुई, फॉर्म भरे गए, उसके बाद भी बोला गया कि यह फ्रॉड हुआ है, इसको इंक्वायरी करेंगे, वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद अब 2020 में भी रिक्रूटमेंट जब हुई, तब भी बहुत बड़ा स्कैम देखने को मिला। और अब यहाँ पर ये साफ तौर पर कह रहे हैं, हम कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे और कब तक हम नौकरियों के लिए तरसते रहेंगे। फायर एंड एमरजेंसी जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसका स्कैम है और CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या विषय है और क्या कहना चाहते हैं फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज रिक्रूटमेंट को लेकर। 2020 में जो लिस्ट मंजर आम पर आया फायर सर्विस में, उस वक्त भी हमने चिल्लाया है, रोड ब्लॉक किया है, पुलिस के डंडे खाए, पुलिस के लाठीचार्ज खाई है, तब भी हमारी जो आवाज़ है वो दबाई गई है। हम यही कहना चाहते हैं आले हुकाम तक, आपके चैनल के माध्यम से, खासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स है, आई विटनेस भी है, ब्रोकर्स भी है, इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाए। और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें रोज़गार चाहिए और ना हमें कुछ चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाए। जो इसमें कॉर्पोरेट्स है, जो इसमें नेपोटिज्म है, जो इसमें करप्शन है, जो इसमें फेवरेटिज्म है, ब्लड रिलेशन है, वो सब कुछ बाहर निकलेगा इसमें। हम ऑनली CBI इंक्वायरी चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से। हाँ सर, बहुत सारा इसमें नियर अबाउट 850 पोस्ट्स थे, नियर अबाउट इसमें 850 पोस्ट थे। उस वक्त जिसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो 8th है, मैक्सिमम 8th वाले इसमें सिलेक्ट हो गए। और जो PhD होल्डर्स है, PG होल्डर्स है, वो इस लिस्ट में कहीं दिखे नहीं है। इसमें 850 पोस्ट्स है, एक लड़का भी अपनी मेहनत से नहीं गया, इसलिए हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। दो लड़कों की मौत हो चुकी है, श्रीनगर का एक रहने वाला है और दूसरा बड़गाम का रहने वाला है। 2020 में जो लिस्ट के मंजर आम पर आया, जब इसमें पूरा स्कैम पाया गया, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो हम गवर्नर साहब से यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह आपने SI में इन्वेस्टिगेशन बिठाई, सेम इसमें भी इन्वेस्टिगेशन बिठाए। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी जम्मू आपके बच्चे हैं, हम भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हम जाए तो जाए कहाँ, हम इंसाफ मांगे तो 10 लाख दिए पर कैंडिडेट। नियर अबाउट ये जो फायर सर्विस का घोटाला है, ये गवर्नर साहब को मेरे हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें 80 करोड़ से ऊपर इसमें घोटाला है। तभी इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स फंस चुके हैं, संतरी से लेकर मंत्री तक की डिपार्टमेंट है इन्वॉल्व है। इसमें पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई जा रही है, मिलकर खाई है, इसीलिए गवर्नर साहब चुप बैठे हैं। हम गवर्नर साहब से ज़्यादा नहीं मांग रहे, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमारी जो एज है वो लिमिट क्रॉस कर चुकी है, हम इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमारे पास प्रूफ है। 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें अगर CBI इंक्वायरी करेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा स्कैम बाहर निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा, जितने भी हम जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट से, हम जेल जाने के लिए तैयार है, इतना बड़ा प्रूफ है हमारे पास। जो सिलेक्ट हुए थे वो तो हम नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है, लेकिन वो मिनिमम मैक्सिमम कैंडिडेट वो 8th पास है, उनने पेपर पहले से ही पहले से ही पेपर सोल्ड किया है। हमारे पास आई विटनेस है, हमारे पास अभी सब कुछ प्रूफ है, अभी दिखा सकते हैं। अब वो हमारे पास जो हमारा ये एडवोकेट है, हमने एडवोकेट के पास सब प्रूफ रखे हैं, इस पे जिसने खुद कोर्ट में लिख के दिया है कि मेरे पास पेपर है। आपने देखा कि साफ तौर पर जो हमने बात की इन एस्पिरेंट्स से, जो कि फायर एंड एमरजेंसी के लिए जो 2014 से लगातार पेपर देते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फ्रॉड देखने को मिला, और साफ तौर पर उन्होंने कुछ प्रूफ्स भी दिखाए, और शिकारा के अंदर बैठ के आराम से जो पैसा दे के गए हैं वो वहाँ पर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये साफ तौर पर उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई, और उनके पास सब प्रूफ्स हैं। इन्होंने कहा हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, और साफ तौर पर इनकी मांग है कि हम इंक्वायरी चाहते हैं। और LG साहब यानी कि जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल से इन्होंने अपील की है कि इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, और जिस जो जो इसमें स्कैम में है, जिस जिसने पैसा लिया है या ऐसी कोई बात हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। ये साफ तौर पर जो तस्वीरें थी आपको जम्मू से दिखा रहा था मैं, जहां पर फायर एंड एमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम जो बड़ा बताया जा रहा है, और उनकी तरफ से आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया और इंक्वायरी की CBI इंक्वायरी की मांग की गई। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल के साथ विनीत कर्लो की विशेष रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।